Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का रिश्ता हॉट टॉपिक बना हुआ है। दोनों के बीच पुरानी लड़ाइयों को लेकर उनका वर्जन अलग हो गया है, इसलिए उनके बीच असलियत में कौन गलत है कौन सही, ये लोगों को शो के 3 महीने बाद ही पता नहीं चल पा रहा है। बीते एपिसोड में सिद्धार्थ गार्डन एरिया में शेफाली जरीवाला, माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा के साथ बैठे हुए थे, तभी सिद्धार्थ ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग आउटसाइडर हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। फिर पारस छाबड़ा दावा करते हैं कि उन्हें पूरी बात का पता है, जिस पर सिद्धार्थ कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, तुझे इसके हवाले से पता चला है कि उसे भी पूरी बात नहीं पता है। पुरानी बातों को खोलते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मेरी और रश्मि की अनबन थी लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया था। शो खत्म होने के बाद भी बहुत समय तक सब सही से ही जा रहा था, लेकिन जब कट ऑफ हुआ कि हमें बात नहीं करनी, फिर भी हमारे बीच झगड़े कभी नहीं हुए, तू मैं कभी नहीं हुई, हमेशा बहुत प्यार रहा। इसके बाद शेफाली जरीवाला ने कहा कि रश्मि ने बताया था कि तू सेट पर उसे गाली देता था। शेफाली की बात पर रिएक्ट करते हुए सिद्धार्थ ने रश्मि को झूठा बता दिया। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ, बीते एपिसोड में भी सिद्धार्थ और रश्मि के बीच कहासुनी हुई थी। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला पहले दिन से ही लड़ रहे थे। पिछले हफ्ते सिद्धार्थ को मालूम पड़ा था कि रश्मि उनके बारे में पीठ पीछे बात भी करती थी। फिर सिद्धार्थ ने रश्मि की बातें खोली, उन्हें बताया कि रश्मि उनके पीछे गोवा तक आ गई थी। सेट पर रश्मि को 2 लाइनें भी याद नहीं रहती थी। खैर, शो खत्म होते होते सिद्धार्थ रश्मि के अंदर को लेकर कई और खुलासे भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको भी अगर जानना है ऐसे ही बड़े खुलासों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए।